का नाम गिनवाओ, बताओ बताओ कितने नेताओं का नाम गिनवा दो, कम से कम 10 से ज्यादा इनके नेता हैं। चिन्मयानंद स्वामी को, हाँ। शंकर को ले लो, बृजभूषण को ले लो, और भी तमाम। अरे आरोप लगना अलग बात है, दोष ढोना अलग बात है। एक चीज बताइए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, कौन सिद्ध कौन करेगा? कोर्ट करेगा ना, और कोर्ट पे हमें विश्वास है, आज नहीं तो 10 दिन बाद करेगा ही करेगा ना। कोर्ट आजाद है, कोर्ट आजाद है, हमने कब कहा कि कोर्ट गुलाम है? लेकिन काम तो वही करेगा ना, और इनपे आरोप लगे कि नहीं लगे, अब वहाँ पे कौन सा संस्कार दिया जाता है, हाँ। ये जेपी नड्डा जी को बताना चाहिए। आप बता दीजिए कौन संस्कार है। वो तो कह रहे हैं कि अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, बीजेपी जितने कार्यकर्ता है सब अनुशासित है। अनुशासित है, अनुशासित अगर होते तो उजूल फुजूल का बीजेपी के नेता कोई बयान न दे। अरे अपवाद स्वरूप, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अपवाद स्वरूप एक दो लोग हो ही जाते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया के सबसे छोटे अनुराग से क्यों डर गई थी? आपसे बीजेपी डरती है? बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत फहमी के शिकार हो गए हैं। गलत फहमी के शिकार आप जैसे पत्रकार हैं और आप जैसे लोग हैं। ए बजरंग बली किसके? ए बजरंग बली है, हाँ ये बजरंग बली है, मैं मानता हूँ बजरंग बली है। मानते हैं आप? बिल्कुल। अरे लोग बंदर बोलेंगे। एक चीज बताइए, आप पत्रकार हो ना, हाँ। है? आप पत्रकार हो, डिग्री है, हो तो एक आदमी है। मैंने पत्रकारिता हो तो एक आदमी ही ना, हाँ। आदमी हो ना, ठीक, हम मानते हैं बजरंग बली मुझे दिखता है बस। अब आप उसे बंदर बोलो या बांदर बोलो या मंकी बोलो, कुछ कल बैल को बाप बोल देंगे आप फिर तो। देखिए वो भैया हमारा पर्सनल मैटर। एक चीज बताइए कि दूध गाय का खाते हैं तो लोग माता बोलते हैं, भैंसिया का भी दूध तो खाते हैं तो उसको कम से कम मौसी तो बोल सकते हो ना आप लोग। हमने तो कभी नहीं बोला कि हम बात। अरे नस्ल अलग है, गाय भैंस अलग अलग है, नस्ल अलग है, सिर्फ मौसी कैसे हो सकती है? दूध तो दोनों का खाते हो ना, दूध तो दोनों का खाते हो ना। हमने तो बोला ही नहीं कि उसे बाप बोलो या क्या बोलो, हमने तो कुछ नहीं बोला ना कि बैल को बाप बोलो या फूफा बोलो, जो आपकी इच्छा हो बोलो पत्रकार महोदय। स्कैम वाली सरकार चली गई, स्कीम वाली सरकार आ गई है देश में, मोदी लहर कायम है। भैया किसकी, इनकी लहर कायम है? इनकी लहर कर्नाटक में क्यों नहीं चल पाई, इनकी लहर हिमाचल में क्यों नहीं चल पाई, और इनकी लहर जो है वो कहर बन के 24 में डूब जाएगी। लहर कहर बन जाएगी, लहर इनके कहर में डूब जाएगी भैया। 24 में मोदी मैजिक खत्म हो रहा है और एक ऐसा उजागर, एक अच्छा प्रधानमंत्री देश में बनेगा जो महंगाई और। चलिए अनुराग ओझा मानते हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2023 में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। आप उसमें मध्य प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तीनों में कांग्रेस आ रही है, तीनों में कांग्रेस आ रही है। राजस्थान का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इतिहास तो भैया कर्नाटक का भी तुम्हारे चाचा बता रहे थे, बता रहे थे और भी जगह, हिमाचल में तो यही होता था ना कि एक बार कांग्रेस, वही बात हुई भैया गया। भैया शांत रहिए, इत्मीनान रखिए, यूपी में था ना बदल जाता था, कहाँ बदला, नहीं बदला ना, तो ऐसे ही राजस्थान में देखना कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी यूपी में, तो वहाँ पे भी राजस्थान में देखना भाई, अगर कांग्रेस की सरकार ना बने तो। देखिए बीजेपी कह रही है उनके पास 680,000 ज्यादा अधिक बूथ हैं, 303 लोकसभा सांसद हैं, 1385 विधायक हैं, सैकड़ों मेयर हैं, सैकड़ों हजारों। लेकिन ये काम क्या करते हैं साहब, ये बता दो कि काम क्या करते हैं? भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम बताओ, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम बताओ? क्या बेटियों का बलात्कार करना देश की सेवा है? क्या किसानों पे लाठी बरसाना देश की सेवा है? बताइए क्या जवानों पे लाठी बरसाना देश की सेवा है? क्या संविधान को न मानना देश की सेवा है? क्या महात्मा गांधी का अपमान करना देश की सेवा है? बताइए, गिनवाइए आप। अरे नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, और यहाँ पे इनके नेता, इनके विधायक, इनके संसायोजक, इनके समर्थक क्या करते हैं गांधी जी को? चार नेताओं का नाम बताइए कैमरे पर, और ना एक्सपोज हो जाएंगे अनुराग ओझा। क्या एक चीज बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के महात्मा गांधी जी को भी बोल रहे हैं जल्दी में ही, नाम बताइए, नाम क्या करने के लिए बताएं? अमित शाह जी बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है भैया। एक चीज बताएं, इतना मत डरिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाम बोल दें आप तिहाड़ में भेज दो। डरते बहुत, मैंने पहले कहा ना ये लोग बहुत डरपोक है, डरते बहुत है, नाम नहीं ले पाते उन नेताओं का। ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी के जो तमाम विधायक हैं मंत्री हैं वे लोग गोडसे को मानते हैं, लेकिन इनसे मैंने पूछा चार नाम बता दीजिए, नाम नहीं बता पा रहे। हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर आप गांधी को मानते हो गोडसे को मानते हो? नहीं मैं किसको मानता हूँ, आप आदमी हो नहीं हो, आप आदमी हो नहीं हो, देखिए सुनिए आप आदमी हो नहीं हो, भटकिए मत, आदमी हो या नहीं हो बताइए, गांधी को मानते हो या नहीं मानते हो ये बता दीजिए। तो मुद्दे क्यों रहे हो? मैं महात्मा गांधी मानता हूं, ना भटके मैं महात्मा गांधी को मानता हूं। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद है बिल्कुल। आप अपने उनसे भी बुलवाइए, अपने सेठ से, कौन से हैं जिसके लिए काम करते हो? अरे वो तो बोलते ही है गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, मोदी जी और क्या, मोदी जी ने बोला है, हमको सुनाइए, फसड़ा सुनाइए जरा, आप किस भाषण देंगे मोदी जी?
हमारे कहने पे नहीं देंगे भाषण। सच्चाई यह पता क्या है, ये है ब्राह्मण, मोदी जी है ओबीसी, ये लोग नहीं चाहते कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना रहे, और इसीलिए तो कहते हैं भैया दलित को बना दो, हम तो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दो, दलित को बना दो, हम तो कह रहे हैं, हमने कब कहा, हम तो कह रहे हैं कि सबसे जो सबसे अधम जाते उसको बना दो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम तो कह रहे हैं, हमने कब कहा ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाओ। कांग्रेस की भाषा अच्छा बोलते हैं। अच्छा, हम यही तो यार तुम्हारी लोगों की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, यही परेशानी है कि हम अगर कुछ बोलने लगते हैं ना तुमको कांग्रेस की भाषा लगती है, कुछ बोलने लगते हैं आम आदमी पार्टी की भाषा लगती है, कह दोगे कि उसकी चंद्रशेखर रावण की भाषा लगती है, मतलब क्या हो गया है तुम लोगों को। पत्रकार हो, पत्रकारिता का मतलब होता है सच्चाई दिखाना, ना कि दलाली करना। खबर आप लोग पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल। जो मेरे रिसोर्स हैं वो बता रहे हैं कि अनुराग ओझा बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कहाँ से भैया खबर आ गई? मेरे सूत्र हैं। सूत्र आप खोजी पत्रकार हो, कहाँ से खोज के लाए हो बताओ भैया, कहाँ से आ गई, हमें नहीं पता। कभी भी जर्नलिस्ट सूत्र जो है कुछ डिस्क्लोज नहीं करता। एक चीज बताइए, हमको नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं अगले घंटे बाद, और तुमको कैसे पता कि हम कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं कुछ दिनों में? तो बता दीजिए, आप डिनाई कर दीजिए कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन नहीं करेंगे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी भविष्य का देख। देखिए ये है ना, किस तरीके से, कौन सी मिठाई पसंद, जलेबी? जो अच्छा खिला दो। नहीं मतलब घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, लगता है जलेबी पसंद है आपको ज़्यादा। नहीं, जलेबी और रसगुल्ला और लड्डू का भैया यहाँ पे सवाल नहीं, यहाँ पे सवाल है महंगाई का, यहाँ पे सवाल है बेरोजगारी का, यहाँ पे सवाल है किसान का, यहाँ पे सवाल है संविधान का, यहाँ पे आए दिन संविधान की हत्या हो रही है, बाबा साहब की हत्या हो रही है, उस पे सवाल करिए। आपको जलेबी, बाबा साहब अमर हैं, अमर हैं, अमर रहेंगे, लेकिन संविधान को, अगर संविधान को खत्म किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी खत्म किया। अरे मोदी जी संविधान को मानते हैं सर। एक चीज बताओ, 24 मगर की गलती से सरकार बन गई ना, गलती से अगर संविधान न खत्म हो जाए तो भैया जैसे पुनीत के पुनीत नहीं है कि वहाँ पे 35 साल तक राष्ट्रपति बन गया, चुनाव नहीं होगा, वैसे ही मोदी जी यहाँ पे कर देंगे। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 24 में आ गए ना, खदेड़ देंगे, बुरे बिस्तर बांध लीजिए। किसको खदेड़ देंगे, वो तो खुद कहते हैं हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे 24 के बाद। आप मोदी खदेड़ने की बात कर रहे हैं, हम मोदी को क्यों खदेड़ेंगे, हम मोदी जी को क्यों खदेड़ेंगे, हमारे बाप के घर पे थोड़ी रह रहे हैं मोदी जी, जो उनको खदेड़ देंगे, जाए अपने गुजरात में आलू टमाटर मिर्चा उर्चा बेचे। तो इतना नफरत क्यों करते हैं मोदी? मैं मोदी जी का बहुत भगत हूँ, मोदी जी से हम बहुत प्यार करते हैं, मोदी जी 24 घंटा हमारे दिलों में रहते हैं, मोदी जी से हम नफरत थोड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली करती रह गई, लेकिन वहाँ पर कर्नाटक में हार हो गई। और ये बजरंग बली है, बजरंग बली सच्चाई के साथ, ये बजरंग बली है बेचारे घूम रहे हैं। अब आप देखिए कितने बजरंग बली के अवतार हैं, बजरंग बली तमाम लोग हैं, पूजा भी करते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, बजरंग बली हमेशा सत्य के साथ, भगवान राम सत्य के साथ चल रहे थे ना, तो बजरंग बली ने उनका साथ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए आप भगवान राम की चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं पत्रकार महोदय, आप पहले ये बताइए कि राम को लाने वाले कौन? बीजेपी। इससे पहले राम नहीं थे? श्री राम नहीं थे, सीताराम थे, सियाराम।